बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली से है, रोहित शेखर हत्याकांड का मामला। रोहित शेखर हत्याकांड का मामला, रोहित की पत्नी अपूर्वा पुलिस हिरासत में। बड़ी खबर, रोहित शेखर हत्याकांड का मामला, रोहित की पत्नी अपूर्वा पुलिस हिरासत में है। पुलिस ने दो नौकरों को भी हिरासत में लिया है। पत्नी और नौकरों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने दो नौकरों को भी हिरासत में लिया है, तो पत्नी अपूर्वा और दो नौकरों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। अपूर्वा को पुलिस मुख्य संदिग्ध मान रही है, ये कहना सूत्र का। रोहित की मां उज्ज्वला ने किए हैं कई खुलासे। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद की आशंका भी जताई जा रही है। रोहित की मां उज्ज्वला ने किए हैं कई खुलासे। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी विवाद भी एक वजह बताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है। रोहित अपूर्वा इसी जून में तलाक लेने वाले थे, तो आप देखिए कि किस प्रकार से अब धीरे धीरे ये पूरा मामला सामने आते हुए। और फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अवैस जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अवैस, अब धीरे धीरे कड़ियां खुल रही हैं, पत्नी को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ समझ में आ रहा है इस पूरे मामले में, अब तक अपडेट बताएं। जी बिल्कुल, के शनिवार को 8 घंटे तक लगातार अपूर्वा से पूछताछ हुई। उसके बाद फिर जब रविवार को दोबारा रोहित तिवारी की मां से पूछताछ की गई, तो उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। और उन्होंने कहा कि रोहित की पत्नी अपूर्वा और उनके ससुराल वालों की नजर जो थी वो रोहित की प्रॉपर्टी के ऊपर थी। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है पुलिस जांच में कि रोहित तिवारी के घर से, डिफेंस कॉलोनी में जो घर है, उस घर से कई बार पीसीआर की कॉल गई थी झगड़े को लेके, एक पहलू ये भी है। उसके ऊपर भी जांच पड़ताल हो रही है। फिलहाल पुलिस ने अपूर्वा को हिरासत में लिया है, उसके अलावा दो नौकरों को भी हिरासत में लिया है। रविवार को पुलिस ने पूरा सीन जो है वो रिक्रिएट कर देखा था, और पूरे मामले में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल अभी पुलिस लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूरे मामले में अवैध, देखिए, एक तरफ प्रॉपर्टी विवाद भी सामने आ रहा है, दूसरी तरफ हम ये भी समझ रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं जो है अदर रिलेशंस भी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, उस पर भी बात आ रही थी अवैध। जी जी बिल्कुल, एक अफेयर की बात आ रही है जो उनके कजन है, तिलक लेन में रहते हैं, उनकी पत्नी कुमकुम के साथ अफेयर की बात आ रही थी। इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की। जिस दिन रोहित जो है वो वोट डाल के अपने डिफेंस कॉलोनी के आवास पर आए थे, उस गाड़ी से वो कुमकुम जो थी वो भी उतरी थी, उसके बाद फिर वो वापस चली गई थी देर रात में। उसके बाद फिर 3 से 4 बजे के आसपास ये भी खबर है कि रोहित के नंबर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों।